जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और अभी बात करने वाले हैं अपन, क्या होगा मेंस का सिलेबस, जो मेंस होगा वीडियो का, उसका सिलेबस क्या होगा। दूसरा, मुझे पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग कमेंट्स में कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं या 55 बन रहे हैं, ठीक है, कोई 70 बता रहा है। तो दोस्तों, जो वीडियो पे कमेंट आपने करके ये सारे मार्क्स बताएं, तो क्या हम तैयारी करें या नहीं करें? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके 20 बन रहे हैं या 70 बन रहे हैं, जो भी मार्क्स बन रहे हैं, आपको तैयारी करनी है। तैयारी तो आपको करनी ही है। क्यों करनी है? क्योंकि आगे आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जैसे सेकंड ग्रेड आएगी अगर आपने कर रखी है तो, बीएड वगैरह, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड आ रही है अगर आपने कर रखी है तो, ये सारा का सारा सिलेबस वहाँ पर मिलता जुलता है। इसके अलावा जो है वो जिसने भी, अब आपने बीए तो कर ही रखी है, तो बीए कर रखी है तो अभी कुछ ही समय में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आएगी, तो उसमें भी ये सारा काम आएगा। टीआरए की भर्ती में भी ये सारा काम आने ही वाला है, तो आपको तैयारी तो करनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या रहेगा मेंस का सिलेबस, ठीक है। मेंस का सिलेबस क्या रहेगा? तो मेंस का जो सिलेबस है, जो भी प्री हुआ था, उस प्री में अपने प्री का सिलेबस देख रखा होगा कि प्री के सिलेबस में जो है वो आरएसएसबी ने जो है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया था, ठीक है। उसमें मैथ भी थी, रीजनिंग भी थी, ठीक है, हिंदी भी थी आपकी, इसके बाद में जीके तो था ही। अब जीके में भी आपके राजस्थान का जीके था, इसके बाद में इंडिया का जीके था, और साथ साथ वर्ल्ड का जीके भी था, ठीक है। इसके अलावा आपके उन्होंने इंग्लिश भी दे रखी थी, साथ साथ करंट भी था, ठीक है। तो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया था, ए टू जेड लगभग सिलेबस को उन्होंने कवर किया था, पूरे सिलेबस को। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा का सिलेबस तो आना है नहीं, लगभग यही सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन को बढ़ाया जाए या कम तो नहीं किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा कर किए जा सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपने आए थे वो 100 थे, अब की बार हो सकता है 150 कर दे या 120 कर दे या फिर 200 कर दे, तो क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं। बाकी संभावना कम लग रही है कि किसी प्रकार के सिलेबस में संशोधन हो। तो फिलहाल ये जो सिलेबस अपना प्री का जो सिलेबस था, उसी को आधार मानकर आप तैयारी कीजिए, ठीक है। प्री के सिलेबस के आधार पर, सिलेबस जो है प्री का, उसी को आधार मानकर आप तैयारी जारी रखिए, तो हमें कहीं कहीं फायदा ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, तो आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। और आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।